दुनिया जब से वजूद में आई है, इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए पानी की अहमियत हमेशा से ही मुसल्लम रही है। जहाँ कहीं भी पानी किसी भी सूरत में दस्तयाब था, वहाँ इंसानी ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। चाहे वो किसी दरिया की सूरत में हो, किसी कुएं, चश्मे और बरसाती नाले की सूरत में हो, क्योंकि इंसानी खुराक के लिए पैदा होने वाली ज़्यादातर अशिया पानी ही की मरहून मिन्नत हैं। आज हम आपको ऐसे चश्मे और उसी पर कायम मस्जिद की तारीख के बारे में बताते हैं कि जिसका फैज़ अब भी जारी व सारी है। एबटाबाद शहर का इलाका ओरश या रश, जहां तकरीबन 200 साल पहले तक जहां एक बड़ी झील थी, लेकिन इसके किनारों पर आबादी मौजूद थी। झील खुश्क होने के बाद मेजर जेम्स एबट ने यहां फौजी छावनी कायम की, जिसे बाद में एबटाबाद का नाम दिया गया। एबटाबाद के तारीखी कस्बे नवा शहर में चूनाकारी के मुकाम पर पानी का एक बड़ा कुदरती चश्मा था, जिससे मुकामी आबादी न सिर्फ पीने के लिए साफ पानी हासिल करती, बल्कि ये पानी ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल होता था। चूनाकारी के मुकाम पर इस मौजूद चश्मे से मुसलमान और हिंदू दोनों फ़ायदा हासिल करते थे। यहाँ बसने वाले हिंदू गो के तादाद में कम थे, दोनों अकवाम की ख्वाहिश थी कि इस चश्मे पर इनकी इबादत का तामीर हो। इस सिलसिले में हिंदुओं का एक नुमाइंदा वफ्द उस वक्त के अंग्रेज़ जज के पास गया और मंदिर की तामीर की ख्वाहिश का इजहार किया। इसी तरह मुसलमानों का भी एक वफ्द उसी जज से मिला और उस चश्मे पर मस्जिद की तामीर की इजाज़त मांगी। ये सिलसिला जारी रहा और अंग्रेज़ जज किसी भी कौम के हक में फैसला देने से कबल खुद मौका देखना चाहता था। बिला आखिर उसने एक दिन अपने मातहत अफसर से कहा कि कल मैं खुद चूनाकारी जाऊंगा और हालात देखकर फैसला करूंगा। चूँकि वो अफसर मुसलमान थे, तो उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों को बता दिया कि कल अंग्रेज़ जज मौका देखने आएगा। इस खबर के मिलते ही मुकामी और करीबी आबादी के मुसलमानों ने एक खुफिया इजलास किया और इसमें फैसला हुआ कि आज रात ही यहाँ एक मस्जिद तामीर कर दी जाए। और फिर ऐसा ही हुआ, रातों रात इलियासी मस्जिद की कच्ची इमारत खड़ी कर दी गई। सुबह जब अंग्रेज़ जज आया तो उसने देखा कि न यहाँ सिर्फ मस्जिद मौजूद है, बल्कि कुछ बच्चे इसमें दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो इसने मस्जिद के हक में फैसला दे दिया। इस तरह 1933 में इलियासी मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। इस मस्जिद की पुख्ता तामीरात का आगाज़ पाकिस्तान बनने के बाद 1958 में हुआ। तारीखी इलियासी मस्जिद का डिज़ाइन अपने दौर के माहिर तरीन राजमिस्त्री ठेकेदार फजलद्दीन बाबा ने तैयार किया। स्कूल और कॉलेज की तालीम ना होने के बावजूद भी अपने शोबे में इनकी महारत देखकर ये कहा जा सकता है कि वो पैदाइशी इंजीनियर थे। इलियासी मस्जिद की तामीर के लिए जो कमेटी बनाई गई, इसकी सरबराही मोहम्मद जलाल खान उर्फ जलाल जी ने की। इस मस्जिद की तामीर में इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि यहाँ मौजूद चश्मा अपनी असल शक्ल में कायम रहे। इस मस्जिद की दीवारों में ना तो लोहा इस्तेमाल हुआ, ना ही कोई पत्थर या ईंट, बल्कि करीबी पहाड़ों के पत्थर तोड़कर छोटे पीस बनाए गए, जिन्हें कत्ल या कत्ला भी कहा जाता है। इन कत्लों को हरनोई की बजरी और सीमेंट के साथ मिलाकर हर दीवार सीटों भर के तैयार हुई। हरनोई से बजरी लाने के लिए दर्जनों बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल की गईं। इस मस्जिद की तामीर में रजाकारों के साथ साथ नवाशहर हाई स्कूल के तलबा ने भी हिस्सा लिया। इलियासी मस्जिद के बड़े हाल की इतनी बड़ी छत डालना उस वक्त का एक बड़ा कारनामा समझा जाता है। यह इमारत और छत आज भी
कायम है और इसने कई बड़े जलजले भी बर्दाश्त किए मगर किसी दीवार में एक दरार तक ना आई। इलियासी मस्जिद की हाल की सीलिंग में जो फूलदार चादर इस्तेमाल हुई है ये ख़ास तौर पर जापान से मंगवाई गई। इलियासी मस्जिद के अंदर खत्ताती का एजाज़ नवाशहर ही के एक बुजुर्ग शख्सियत अब्दुल्ला खान मुसाज़ई को हासिल है। उन्होंने अरबी और फारसी जुबान में आयत कुरानी और अशार लिखे जिनकी मदद से बाबा फजलद्दीन ने फरने तैयार किए और ये खत्ताती आज भी इन बुजुर्गों की महारत की गवाही दे रहे हैं। इस मस्जिद के अंदर मौजूद चश्मे के बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं जिनमें एक ये भी है कि इस चश्मे से निकलने वाला पानी कागान और नारान की पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर से मुख्तलिफ ज़मीनी रगों के ज़रिए यहाँ तक पहुँचता है। बहरहाल इस पर बाकायदा तहकीक नहीं मिलती। इलियासी मस्जिद की आज जो शक्ल है वो मामूली तब्दीलियों के साथ वही है जो इब्तिदा में डिज़ाइन हुई थी। इसका वसी और ख़ूबसूरत हाल बरामदा और कुशादा सैन हज़ारों नमाजियों के लिए काफ़ी है। इलियासी मस्जिद के बुलंदोबाला मीनार एबटाबाद शहर और गर्दोनवाह के पहाड़ों से वाज़े नज़र आते हैं जो इस मस्जिद की शान शौकत बयान करते हैं। इलियासी मस्जिद एक पहाड़ी के दामन में है, इसकी वजह से इसकी खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। इलियासी मस्जिद अब एक पिकनिक पॉइंट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिससे इसकी बेहरमती भी होती नज़र आती है। इलियासी मस्जिद के साथ मौजूद पकौड़ों की कई दुकानें भी बन चुकी हैं जिनका जायका अब खासा मशहूर है। यहाँ आने वाले सयाह इन पकौड़ों से लुत्फानंदोज होते हैं। चश्मा के ताज़ा पानी के इस्तेमाल से ये पकौड़े जल्द ही हजम हो जाते हैं। इस कारोबार से अब सैकड़ों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। इलियासी मस्जिद का शुमार हज़ारा डिवीज़न के तारीखी मसाजिद में होता है जिसके चश्मे को देखने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला सारा साल जारी व सारी रहता है।